दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं और इस चुनाव में इस बार भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का डंका बजा है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव जैसे अहम पदों पर एबीवीपी ने जीत दर्ज की है, तो वहीं कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई को महज संयुक्त सचिव पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि एनएसयूआई ने यह सीट जीतकर 2 साल बाद वापसी की है। डूसू के अध्यक्ष पद के लिए विश्वविद्यालय के छात्रों ने एबीवीपी के अमित तंवर, उपाध्यक्ष के लिए प्रियंका और सचिव पद के लिए अंकित सिंह सांगवान को चुना। तो वहीं संयुक्त सचिव पद पर एनएसयूआई के मोहित गरिट ने जीत हासिल की है। आपको बता दें कि कल डूसू चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। बीते 4 सालों में इस बार यहाँ सबसे कम वोटिंग हुई है। यहाँ मुख्य मुकाबला एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच में था। तो डूसू चुनाव में लगातार तीसरे साल भी एबीवीपी का जलवा दिखा। 4 में से 3 सीटें जीतकर एबीवीपी ने अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा। देखते रहिए डीबी लाइव।